नमस्ते, मेरा नाम दिविज है और मैं फैशन टेक्नोलॉजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन स्पेशल एडिशन 2022 में। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन होता है, इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत मेहनत के बाद सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि भारत सरकार ये चाहेगी कि और चाहती है कि बेस्ट कैंडिडेट को हम वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में उतारें। तो इसमें अलग अलग फील्ड्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे होते हैं और बाद में नेशनल लेवल पे होते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NSDC इसको मिल के ऑर्गेनाइज करते हैं, और रेस्पेक्टिव सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो होती हैं वो इसमें उस कैंडिडेट को डेवलप करने में मदद करती हैं, और करीब करीब एक साल तक, सिलेक्ट होने के एक साल तक उसको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया में भी दी जाती है और इंडिया के बाहर भी दी जाती है। अब आप हमारे सेक्टर को लीजिए, जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी में, तो इसमें हमारा जो कैंडिडेट है वो उसको हमने इंडिया में ही नहीं बाहर भी उसको हमने ट्रेन किया है, और उसको बेस्ट जो फैकल्टी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की जो फैकल्टी है वो उनको ट्रेन कर रही है, और बेस्ट उसको गाइडेंस मिल रही है। और हेलसिंकी में ये 19 से 24 अक्टूबर 2022 को ये कॉम्पिटिशन होगा, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको हमने इतना तैयार किया है कि हम अपनी बेस्ट शॉट देने की तैयारी में। मैंने महाराष्ट्र स्टेट से पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बाद स्टेट्स के बाद रीजनल राउंड होता, तो मैं महाराष्ट्र स्टेट को वेस्ट जोन में रिप्रेजेंट करने वाला था। उसके पहले मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग रेमंड्स में हुई थी, वहाँ पे मुझे आसिफ सर ने ट्रेन किया था। रीजनल में मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद रीजनल राउंड के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी निव दिल्ली में नेशनल राउंड के लिए। नेशनल राउंड में मेरा सिल्वर मेडल आया था। सिल्वर मेडल के बाद हम नेशनल्स के बाद दो लोग सेलेक्ट हुए थे सिल्वर एंड गोल्ड मेडलिस्ट, उनकी ट्रेनिंग निफ दिल्ली में ही हुई। 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। उसी के बीच में अलग अलग टेस्ट प्रोजेक्ट, अलग अलग मॉक टेस्ट हुए थे, जिनके बेसिस पे फिर एक फाइनलाइज कैंडिडेट हुआ था, वो मैं फाइनलाइज हूँ। मैं मोनिका मैम के अंडर ट्रेन कर रहा हूँ। मैम पहले भी एज ए एक्सपर्ट कॉम्पिटिशन में जा चुकी हैं, तो उनके पास्ट एक्सपीरियंस एंड उन्होंने जो जो देखा है, और फिर जो प्रीवियस कैंडिडेट्स थे जो एज अ पार्टिसिपेंट जा चुके हैं वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में, उनसे बात करने के बाद एक प्लान हमने मतलब डिसाइड किया, प्लान स्ट्रक्चर किया कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड उसी प्रिपरेशन में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें कि हमारी ट्रेनिंग कोरिया में जाके एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर हुआ था, तो वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ पता चली थी कि इंटरनेशनली लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम इंडिया में अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट इंटरनेशनल ट्रेनर्स के अंडर ट्रेन करके एक ब्रॉड आइडिया मिला कि इन द कॉम्पिटिशन हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। पास्ट एक्सपीरियंस और अभी सबसे बात करने के बाद एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई है कि कॉम्पिटिशन में रादर देन प्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लिकेटेड गारमेंट, आई एम मोर फोकस्ड टू प्रेजेंट अ सिंपल एंड अ परफेक्ट गारमेंट, जिससे कि एक्सपर्ट्स को कोई फ्लॉ ना दिखे कि यहाँ पे वो हमारे मार्क्स काट सकते हैं। अगर ओवर कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन लेके और टेक्निक मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, तो उस पर फोकस ना करके मैं एक सिंपल बट परफेक्ट जैकेट बनाने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ, तो जब स्कूल में था तो मैं कभी भी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, और मैं ज़्यादा क्योंकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था उसकी वजह से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब कॉम्पिटिशन्स, हाउस कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, जिसकी वजह से टीचर्स मुझे बहुत बोलते थे कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, आगे तुम मतलब ड्राइंग में ही कहाँ तक जा सकते हो। बट अभी मैं बीच में घर गया था, तो मैं स्कूल विजिट करने गया, तो एक डिफरेंट प्रस्पेक्टिव देखने को मिला कि जितना टीचर्स उतना सपोर्टिव नहीं थे उस टाइम पे कि ड्राइंग में क्या कर पाओगे या कहाँ जा पाओगे, उतना ही अभी वो सपोर्ट के साथ एज अ एग्जांपल वो
जूनियर्स को भी बता रहे थे कि देखो ऐसा भी, अगर आप दूसरी फील्ड चूज़ करते हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया, क्योंकि अगर मैं एकेडमिक्स में जाता तो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ तक पहुँच पाता जहाँ हूँ मैं आज। स्किल की वजह से हूँ, मतलब जो कंपटीशन है वो स्किल का ही कंपटीशन है, वहाँ क्या परफॉर्म करते हो वही मैटर करेगा, आप कहाँ से आते हो, क्या पढ़ाई की हुई है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड एकेडमिक्स का है, लेकिन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ स्किल में, क्योंकि वो स्किल मेरे अंदर है और मैंने उस स्किल को इम्प्रूव करने में मेहनत की है। तो स्किल प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ। सो इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू ओन माई ओन नेम ब्रांड। इंडस्ट्री में काम करने के बाद, सीखने के बाद, मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग बोलें कि येस आई एम वेयरिंग दिव्य सिंह। मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैं अपैरल, मेडअप एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल और NSDC के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैंने कॉम्पिटिशन में आया था और अभी मैं जहाँ पे हूँ, जितना स्किल लेवल मेरा कंपटीशन के शुरुआत में था और अभी स्किल लेवल मेरा जहाँ पे है, जितना कुछ भी सीखने को मुझे मिला है वो सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से ही मिला है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल हो। हर लेवल पर हमें कॉम्पिटिशन से पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, हमें ट्रेनिंग सेंटर, रहना खाना, मतलब हमें कंपटीशन से पहले किसी और चीज़ के लिए वरी नहीं करना पड़ता था कि हम कैसे वहाँ जाएंगे या कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। हमें सिर्फ जाके परफॉर्म करना था, हमें सीखना था, और इस चीज़ में आज, मतलब अभी तक मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ SSC एंड NSDC। जैसे इस साल मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में, अगले साल आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को।